कि हम लोग को शांतिपूर्वक निष्पक्ष चुनाव कराना है, और निष्पक्ष चुनाव कराने में जो भी हिंड्रेंस आए या आपको पता चले या हमारे सोर्सेस से पता चलेगा, उनको हम चुनाव से पहले ही दूर कर लें। हमें कुछ भी ऐसा करने पर मजबूर ना किया जाए जिससे किसी का भविष्य खराब हो। तो आपको अगर कोई सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति या कोई चीज़ या शराब को लेकर के, पैसे को लेकर के, या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो चुनाव के इफेक्ट कर सकती हैं, तो आप डायरेक्ट चाहे थाना अध्यक्ष से बता सकते हैं, अपने हल्का इंचार्ज से बता सकते हैं, मुझे बताइए, सीओ साहब को बताइए। आप लोग का नाम एकदम गोपनीय रखा जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग का यहाँ सब एकत्रित हुए हैं कि जो आगामी चुनाव हो सकता है 21 फरवरी को, उसको हम लोग शांतिपूर्वक और निष्पक्ष करा पाएं। इसमें बिना आपके सहयोग के पुलिस और प्रशासन अकेले कुछ नहीं कर पाएगी कि पुलिस डंडा लेके घूमती रहे और आपका कोई सहयोग ना मिले। तो आपसे यही अपेक्षा है कि आप सबके सहयोग से एक टीम की तरह काम करके हम लोग निष्पक्ष चुनाव कराने में सफल होंगे। धन्यवाद। करना क्या है कि शांतिपूर्वक और ज्यादा से ज्यादा मतदान यहाँ पे हो। तो यहाँ के पदाधिकारी, प्रधान जी, बाकी जो जितने लोग हैं, हम इन लोगों से अपेक्षा करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रमोट करेंगे कि नहीं, आप लोग जाइए मतदान करिए शांतिपूर्वक, बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी दबाव में। दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पे इस क्षेत्र में कोई अवैध असलहा लेके घूम रहा हो तो उसके बारे में गोपनीय रूप से आप सूचना दे दीजिए, जिससे हम लोग समय से कार्रवाई कर लें, क्यों भविष्य में कोई बड़ा क्राइम न करे। इसलिए अगर शुरू में ही बच्चों को थप्पड़ मार दिया जाए तो वो बाद में बड़े काम करने से, बड़ा गलत काम करने से डरते हैं। तो वही शुरुआत में ही अगर इस तरह का कोई लड़का लेके चल रहा हो तो शुरू में ही छोटी मोटी कार्रवाइयाँ हो जाती हैं तो वो फिर डर जाता है। तो आप लोग ये प्रयास किए, अगर आप लोगों के जानकारी में कोई हो इस तरह से तो गोपनीय रूप से आप हमें बता सकते हैं, आपका नाम उजागर नहीं होगा और उस पर शुरुआत में हम लोग भी बहुत गंभीर कार्रवाई नहीं करेंगे। इस तरह से कार्रवाई करें कि वो डर जाए और उसका फ्यूचर भी बर्बाद ना हो। तीसरा, इस समय अवैध शराब को लेके है, जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी रायबरेली में 10 लोग एक्सपायर भी हो गए हैं और लगभग 2 दर्जन से ऊपर अभी भी हॉस्पिटलाइज है। इसमें बहुत जनहानि हुई है और हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में इस तरह की कोई घटना दुर्घटना हो जिससे हमारे अपने लोग को नुकसान हो। तो आप लोग, अगर आप लोगों की जानकारी में हो, ठेके को तो हम लोग चेक कर रहे हैं, हर एक ठेके को चेक कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई इस तरह की शराब विक्रय न होने पाए। लेकिन आप लोग अपने अपने में, हो सकता है कोई चोरी से बेच रहा हो, कोई बना रहा हो, तो अगर कोई भी जानकारी आप लोगों को हो तो हम लोगों से शेयर जरूर करें। बाकी यही अपेक्षा रहेगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मतदान करें, शांतिपूर्वक करें, और जो क्रिटिकल और वल्नरेबल की लगी हुई है ये धब्बा आपके बूथ को और आपके गांव को, वो समाप्त हो। धन्यवाद। जैसा कि